एक बार फिर से आपका सर, शुभेंदु सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने जो समय निकाला और संडे के दिन हम लोगों के लिए समय संडे दिया के दिन तो उसके मेरा ऑक्यूपाइड रहता बिल्कुल सर, और उसमें आपने समय निकाला हमारे लिए, और वो भी प्राइम टाइम 11 बजे का टाइम, तो नो नो इसके माय लिए प्लेजर। आप जब कहेंगे मैं स्टार्ट कर दूंगा। आज का जी सर। क्यू एंड ए सेशन करेंगे, ठीक है? जी सर, तो वन साइडेड नहीं करेंगे, एक इंटरैक्टिव करेंगे। बिल्कुल सर, लेकिन एक बारी ओवरव्यू आप दे देंगे कि हमारे लिए प्योरीफायर क्यों जरूरी है आज की डेट में, कोविड में हाँ, क्यों हेल्पफुल है। ठीक वो है मैं बता दूंगा। बट जी सर, अगर कन्वर्सेशन टाइप के करेंगे तो बिल्कुल बेटर होगा। बिल्कुल सर। तो सर हम स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी जो लोग आएंगे वो बाद में अपना, क्योंकि आपका दूसरी मीटिंग भी आई थिंक 12:15 से है, जैसे कि आपने पहले बताया था अगली, तो हाँ इसलिए हम ठीक। इसको सर। जी सर तो आज के जो सेशन होंगे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के सेशन में प्राइमरीली हम बात करेंगे कि एयर प्योरीफायर को हम हर महीने, सॉरी हर सीजन में, हर शहर में और हर घर में किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा। मतलब कई लोगों को ये डाउट होता है कि एयर प्योरीफायर हमारे लिए जरूरत है कि नहीं, तो ये चीज हम कवर करेंगे। जैसे कि अजीत जी ने कहा कि जो फर्स्ट सेक्शन होगा उसमें हम ये जानेंगे कि हम एयर प्योरीफायर को पूरे साल लगातार किसी भी शहर में प्रमोट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो को ऑफ, इम्पोर्टेंट है कि जो प्रेजेंटेशन हो वो स्क्रीन आपके सामने आए। अब मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ सेशन शुरू करने से पहले, कि एयर प्योरीफायर की नीड को क्रिएट करना। एयर प्योरीफायर के लिए लोगों की हेजिटेशन क्यों होते हैं? क्योंकि किसी को भी लगता नहीं है कि एयर प्योरीफायर की जरूरत है। किसी को भी नहीं लगता, लगता है कि एयर प्योरीफायर का क्या होगा, क्या फायदा होगा। तो उनके बेनिफिट लोगों को समझ में नहीं आती है, लोगों को मालूम नहीं है, लोगों को पता नहीं है। ये कहना सही होगा कि पीपल डोंट नो व्हाई दे नीड इट, राइट? तो ये जो नीड क्रिएशन है, नीड क्रिएशन दो तरीके से हो सकते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग सब। पहला तरीका ये है कि हम पोल्यूशन का अप्रोच लें, एयर पोल्यूशन का सहारा लें। अगर तो आप एयर प्योरीफायर सिर्फ कुछ शहरों में और कुछ मौसम में, जैसे विंटर्स में, आप एयर प्योरीफायर को प्रमोट कर सकते हैं। उस केस में आपकी बिजनेस जो है सीमित हो जाएगी और बाकी समय जो है ना लोग उसको यूज करेंगे ना उसके लिए किसी को क्यूरियसिटी होगी। लेकिन हम लोग वेस्टीज में एक हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी को बिलोंग करते हैं। हम लोग एक हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी है। तो मेरा प्रपोजल आपसे ये है कि हम लोग एयर पोल्यूशन का अप्रोच ना ले, हम ले हेल्थ का अप्रोच कि एयर प्योरीफायर किस तरीके से हेल्थ वाइज हमारे हमारे परिवार को मदद कर सकता है, राइट? ये वाला अप्रोच, थोड़ा सा आपको नॉलेज चाहिए, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चाहिए जो मैं आपको दूंगा। लेकिन इससे फायदा ये होगा कि आप हर घर में पूरे साल और हर शहर में एयर प्योरीफायर प्रमोट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस दिखाए गए हैं, ऑब्जेक्शंस के डिटेल बताए गए हैं। ये कॉमन ऑब्जेक्शंस होते हैं कि घर पे तो एयर प्योरीफायर लगा लेंगे, बाहर जाएंगे क्या करेंगे, हमें अच्छी हवा की आदत पड़ जाएगी, बच्चे ज्यादा बीमार हो जाएंगे, बच्चे कमजोर हो जाएंगे, हम घर पे तो, हम जो है हमारे शहर में पोल्यूशन है ही नहीं, हम हमारे तो चार, ऐसे कई सारे जो है ऑब्जेक्शंस हमें सामना करना पड़ता है जब भी हम किसी से एयर प्योरीफायर के बारे में बात करते हैं। तो आज अगले 10-15 मिनट के अंदर हम ये देखेंगे कि हर जो ऑब्जेक्टिव है हमारा उसको किस तरीके से पूरे कर सकते हैं। अजीत जी, आपको मैं एक मतलब मैं जो प्रेजेंटेशन करूंगा, अजीत जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि
सर आपसे मैं क्वेश्चन एंड आंसर करूं, मतलब ऐसा लगे कि आप जब जवाब देंगे अजीत जी इस जी तरह से जवाब दीजिए जिससे कि आप एक आम आदमी हैं, आप ये मत सोचिए कि आप वेस्टीज के लीडर हैं, ठीक है? आप ये सोचिए कि अगर मैं ये सवाल किसी आम आदमी से पूछता हूँ, मतलब जिनको ना वेस्टीज के बारे में मालूम है, जिनको ना एयरफेयर फेयर के बारे में मालूम है, तो वो किस तरीके से जवाब देंगे? तो ये जो इंटरेक्शन होगा, फिर बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पता लगेगा कि ये किस तरीके से हमें अप्रोच करनी है, किस तरीके से हमें उनको बताना है, ठीक है ना? तो राइट सर, सबसे पहले अजीत जी मैं स्टार्ट करूं विद योर परमिशन। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरी आवाज साफ आ रही है ना सबको? ठीक हाँ जी सर, है, गुड। आप अजीत जी, आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ सिम्टम्स के नाम लिखे गए हैं, जैसे साइनस है, थ्रोट इन्फेक्शन है, सर्दी जुकाम है, इन्फ्लुएंजा है, ब्रोंकाइटिस है, एस्थमा और एलर्जी है। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपके शहर में, आप जिस शहर में रहते हैं, आपके लोकलिटी में, आपके फैमिली में ये सिम्टम्स पिछले 1-2 साल में बढ़े हैं, यस और नो? बड़े हैं सर। बढ़े हैं। आपको लगता है कि ये जितने भी सिम्टम्स लिखे गए हैं, जितने भी ये खास करके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, आपको पता है ना, ये पूरे के जी पूरे जो भी है ये रेस्पिरेटरी। सर, आवाज, शुभेंदु सर, जी सर, आपकी आवाज बीच में चली गई थी सर, क्या हो रहा है साउंड आपका चला गया था बीच में सर। अब? सही है। जी, हाँ, मेरे कहने का मतलब यह है कि तो आपका कहना यह है, आपका मानना यह है कि ये जितने भी सिम्टम्स हैं पिछले 1-2 साल में ये सिम्टम्स बढ़े हैं, यस और नो? यस सर। ओके। क्या आपको क्या लगता है कि ये जितने भी सिम्टम्स हैं कौन से एज ग्रुप के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, मतलब कौन सा एज ग्रुप इन सिम्टम्स से सबसे ज्यादा इफेक्टेड है? सर, या तो इसमें न्यू जो चाइल्ड, न्यू बॉर्न बेबी, या फिर जो ओल्ड एजेज है, आई थिंक वो ज्यादा इससे इफेक्टेड है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल सही कहा। बच्चे और बुजुर्ग ये दोनों एज ग्रुप है जो इन सिम्टम से सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। अच्छा अजीत जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बच्चे इन चीजों से ज्यादा इफेक्टेड क्यों होते हैं, बच्चों को ये चीजें ज्यादा क्यों होते हैं? आई थिंक उनका सर, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी होते तो उनका मेरे समझ से इम्यूनिटी जो है सो उतना ज्यादा स्ट्रांग या स्टेबल नहीं होता लंग्स लंग्स थोड़ा कमजोर रहता है, मतलब अच्छा उतना पंकज जी, इफेक्टिवली पंकज काम नहीं जी, हाँ करता है। पंकज जी, आप भी अपने आप को अनम्यूट करके रखिए। तो आपका कहना ये है कि उनके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो थोड़ा कमजोर है, पंकज जी? बिल्कुल सर, अजीत जी, आप लोगों को ये लगता है कि बच्चे ज्यादा बार बीमार होते हैं इस वजह से कि उनके लंग्स कमजोर होते हैं? बिल्कुल सही राइट कहा आपने। जब बच्चे पैदा होते हैं उनके हर एक बॉडी के पार्ट बहुत सेंसिटिव होते हैं, यस और नो, जी सर, है ना? और ये जितने भी बॉडी पार्ट्स है, खास करके जितने भी ऑर्गन्स है हमारे बच्चों के, हमारे शरीर में, जैसे लंग है, लिवर है, किडनी है, हार्ट है, ये सारे बहुत नाजुक होते हैं और उनको प्रॉपर तरीके से डेवलप होने में 8 से 9 साल लग जाते हैं, क्यों, है कि नहीं, जी सर, राइट? अब आप ये सोचिए कि जब बच्चे पैदा होते हैं उस सेकेंड, जिस सेकेंड बच्चे पैदा होते हैं, हर रोज आपको पता है कि 11,000 लीटर हवा हमारे शरीर के अंदर आता है, 11,000 लीटर्स ऑफ एयर, मालूम है? मालूम है आपको अजीत जी, पंकज जी, जी सर, जी सर, ये जो 11,000 लीटर हवा है, आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो 11,000 लीटर हवा है जो हमारे शरीर के अंदर आते हैं, ये जो उस हवा के जरिए बहुत सारे इम्प्यूरिटीज भी शरीर के अंदर आते हैं, बिल्कुल तो हवा का वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। आप खुद सोचिए कि हम एनवायरनमेंट से 3 चीजों पे डिपेंडेंट है ना? बाहर से हम 3 चीजें हमने शरीर के अंदर लेना है, एक हवा, एक पानी, और तीसरा जो है न्यूट्रिशन या फूड, एम आई राइट? राइट सर, ओके। ये जो 3 चीजें हम बाहर से लेते हैं सिस्टम में, हमारे शरीर के अंदर,
इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है किस चीज का है? हवाई, हवा का है। 11,000 लीटर हवा हमारे लंग्स में से रोज गुजरते हैं। ये जो 11,000 लीटर हवा है और इसके साथ जो इम्प्यूरिटीज आते हैं, उन इम्प्यूरिटीज को रोकने के लिए क्या आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर एक एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी सिस्टम दिया गया है? एक्सक्लूसिव, पूरी तरीके से एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी सिस्टम, राइट? अभी ये जो इम्यूनिटी सिस्टम है तीन लेवल पे काम करता है, आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस मैं इतना कहना चाहता हूं, जो तीसरा पॉइंट है, आप देखेंगे इन्फ्लेमेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सिकुड़ना, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं पंकज जी और अजीत जी, जब आप मान लीजिए आप अपने घर के अंदर है और आपके आसपास आंधी तूफान हो रहा है, राइट, तो हम क्या करते हैं? ढकते हैं या बंद कर देते हैं दरवाजा? दरवाजा और खिड़की को बंद कर देते हैं। क्यों बंद करते हैं? डस्ट ना जाए। जब हमारे शहर में आंधी तूफान होती है और हम घर के अंदर रहते हैं तो उस समय हम दरवाजे खिड़की को बंद करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि बाहर की धूल मिट्टी घर के अंदर ना आए। Am I right? Yes. अब ये जो 11,000 लीटर हवा हर किसी के लंग्स के अंदर जा रहा है हर रोज, और उसके अंदर कई तरीके के इम्प्यूरिटीज भी आते हैं हर सांस में, उन इम्प्यूरिटीज को रोकने के लिए ये जो श्वास नाली है हमारा, आप स्क्रीन के ऊपर देखिए थोड़ा, जो श्वास नाली है उस नॉर्मली अगर आप ब्रीथ कर रहे हैं, नॉर्मली हम अगर सांस ले रहे हैं बात कर रहे हैं, तो इतना होना चाहिए गैप। लेकिन जैसे जैसे इम्प्यूरिटीज आने लगते हैं तो इम्प्यूरिटीज के वजह से, हवा के जरिए इम्प्यूरिटीज के वजह से ये श्वास नाली को सिकुड़ दिया जाता है। क्या ये बंद हो सकता है? श्वास नाली को बंद कर सकते हैं हम? अंकल जी, अजीत जी, नहीं होना चाहिए सर। बंद कर सकते हैं क्या? नहीं, बंद तो नहीं होगा। नहीं, बंद नहीं कर सकते ना। तो हम एट बेस्ट क्या कर सकते हैं, उसको सिकुड़ सकते हैं। सिकुड़ने का मतलब क्या हुआ, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हमारा इम्यूनिटी रिस्पॉन्स? इम्प्यूरिटीज को रोक रहा है, कोशिश कर रहा है। इम्प्यूरिटीज को रोकना है, कम से कम अंदर जाए, रोकने की कोशिश की जा रही है। दरवाजे को अगर आप पूरे ना बंद करें, आप हल्का सा बंद कर रहे हैं, उसमें कम इम्प्यूरिटीज आएगी। यस और नो? Yes. अब हम देखेंगे कि ये जो इन्फ्लेमेशन है, ये जो सिकुड़ने का जो टेक्निक है, हमारे बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है, इसे आप अपने बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स कह सकते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स क्यों? क्योंकि जैसे धूल मिट्टी डिटेक्ट होते हैं तो वो सिकुड़ के इम्प्यूरिटीज को कम करने की कोशिश करता है। अब ये जो इन्फ्लेमेशन है हमारे शरीर में अलग अलग लेवल पे होता है। नाक के अंदर जब इन्फ्लेमेशन होता है तो हमें क्या महसूस होता है? सांस लेने में दिक्कत आती है ना, नाक बंद होने का एहसास होता है। हाँ, यस, बिल्कुल राइट। अब आप थोड़ा सा सोचिए, आप अगर किसी को ऐसे सवाल पूछेंगे, मतलब आपको कितनी फ्रीक्वेंटली नाक बंद का एहसास होता है, कितनी, मतलब हफ्ते में कितनी बार ऐसा होता है कि जैसे नाक से सांस लेने में दिक्कत आ रही है? अब आप ये सवाल अगर 10 लोगों से पूछेंगे, कितने लोग बोलेंगे हाँ होता है? अजीत जी, 8-9 तो बोलेंगे कि हाँ, 10 में से 8 लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे कहीं ये होता है। फ्रीक्वेंसी चाहे कोई भी हो लेकिन होता जरूर है। यस, लेकिन क्या किसी ने इस तरीके से सोचने की कोशिश करी कि ये नाक बंद क्यों होता है? अब आपको मालूम चला कि नाक बंद का एक्चुअल कॉज क्या है, कॉज एंड इफेक्ट। मैं समझा पाया अजीत जी, पंकज जी? हाँ जी सर। ओके, अब ये है फर्स्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन जो नाक के अंदर है। बाय द वे, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें दो हिस्से हैं, एक है श्वास नाली और दूसरा है लंग्स, राइट? ये जो श्वास नाली है, जो पहला लेवल है, वहां पे नाक के अंदर जब इन्फ्लेमेशन होता है हमें नाक बंद का एहसास होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। फिर जब गले में इन्फ्लेमेशन होता है तो फिर हमें गले में दर्द होता है,
गला दुखता है, गले में खराश होते हैं, फिर खांसी आती है, तो इसका मतलब गले के एरिया में इंफ्लेमेशन हुआ है। फिर तीसरा, ये काफी बच्चों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बच्चों में बहुत ज्यादा ये चीज देखी जाती है कि छाती वाला जो एरिया है जिसे ब्रोंकियल सेक्शन कहते हैं, मेरे कर्सर को फॉलो करिए, ये जो ब्रोंकियल सेक्शन है यहाँ पे जब इन्फ्लेमेशन होता है उसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कॉमन है, आपने नोटिस किया होगा कि बच्चे रात को उठ के बैठ जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत आती है छाती वाले एरिया में, तो कई बच्चों को नेबुलाइजर देते हुए आपने देखा है कि एक मास्क जैसे पहन के एक डब्बे से डब्बे में क्या अंदर दवाई डाल के उसको दवाई दी जाती है, आपने देखा है? हाँ जी सर। राइट, तो ये जिनको ब्रोंकाइटिस की शिकायत होती है उनको इस तरीके से दवाई दिया जाता है ताकि यहाँ से आप इन्फ्लेमेशन जो हुआ है, इन्फ्लेमेशन क्यों हुआ, बॉडी ने इन्फ्लेमेशन क्यों किया, इम्यून रिस्पॉन्स है ताकि इम्प्यूरिटीज कम से कम जा सके, आगे कम से कम आगे बढ़ सके, लेकिन हम दवाई डाल के इसको खोल देते हैं दोबारा से। जब खोलते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, अब देखिए ये जो है ब्रांच आउट हो गए, अब ये धीरे धीरे मल्टीपल्स हो गए एयरवेज और लंग्स के अंदर जाने लगे और पतले पतले हो गए, दिखाई दे रहा है? अब ये जो पतले एयरवेज में जब इन्फ्लेमेशन होता है, ये पतले पतले से एयरवेज में जब सिकुड़ने लगता है तब उसे एस्थमा कहा जाता है। आपने एस्थमा अटैक का नाम सुना है, देखा है कि एस्थमा अटैक किसी को होते हुए? देखा तो नहीं, सुना है। सुना है ना, कितनी तकलीफ होती है, सांस नहीं ले पाता मतलब। हाँ? सांस बहुत मेहनत करना पड़ता है सांस लेने के लिए। अच्छा, तो एस्थमा जो है ये लास्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन है, नेजल ब्लॉकेज फर्स्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन है। अब ये फर्स्ट लेवल से लास्ट लेवल तक क्यों पहुंचा, चूंकि हमने उसे इग्नोर करते रहे। Am I right? Yes. अब यहाँ पे एस्थमा का मतलब है कि ये लास्ट लेवल है, इसके बाद ये सीधे इम्प्यूरिटीज लंग्स में चली जाएगी, उसके बाद फिर लंग्स को डैमेज करने लगेगा धीरे धीरे। लेकिन हम जब एस्थमा अटैक्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, दवाई लेते हैं, इनहेलर लेते हैं, पफ लेते हैं, फिर उसे खोल देते हैं। खोलते हैं, सांस लेने में तो आसानी होती है लेकिन वो इम्प्यूरिटीज पूरी तरीके से फिर लंग्स में जाना शुरू होता है और ये टेम्परेरी होता है, उसको आर्टिफिशियली एयरवे पाइप्स को खोले जाते हैं। यस और नो? यस सर। अब अजय जी और पंकज जी आप एक बात बताइए, ये जो सिम्टम्स है, अब आपको मालूम चला कि ये सिम्टम्स जो है ये बीमारी नहीं, ये हमारे इम्यूनिटी के रिस्पॉन्स है। किस चीज का रिस्पॉन्स है कि भाई शरीर के अंदर बहुत गंदगी आ रही है, इसको रोकने की कोशिश करो, ये वार्निंग है, ये सिग्नल है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इन्हें इग्नोर करते हैं और डॉक्टरों का सहारा लेते हैं, और डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स एंटीबायोटिक देते हैं जिससे टेम्परेरी रिलीफ तो मिलती है लेकिन लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट रह जाते हैं। व्हाट डू यू से? मैं समझा पाया आप लोगों को? बिल्कुल जी सर। अब हमारे पास क्या है चॉइस, हमारे पास चॉइस क्या है, हमारे पास दो चॉइस है। पहला चॉइस ये है कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए, इग्नोर करते रहिए। इग्नोर करेंगे तो क्या होगा, ये इम्यून रिस्पॉन्सेस बढ़ते रहेंगे और इम्यूनिटी हमारा वीक होता जाएगा, इम्यूनिटी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इम्यूनिटी को ओवर टाइम काम करना पड़ेगा, तो ये सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। यही हो रहा है बच्चों के केस में, जैसे पंकज जी ने कहा बच्चों के जो श्वास नाली है वो नाजुक होते हैं, तो हवा जितना एयर पोल्यूशन जितना नुकसान हमें करता है उससे ज्यादा नुकसान बच्चों को करता है, और चूंकि नुकसान कम से कम कर सके इसलिए इम्यूनिटी को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन हम उन सिग्नल को नजरअंदाज कर देते, इग्नोर कर देते और डॉक्टरों का सहारा लेते हैं, फिर डॉक्टर दवाई से उस चीज को ठीक करने की कोशिश करता है टेम्परेरी, लेकिन ठीक नहीं होती, फिर उसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स रह जाते हैं। कभी डॉक्टर के दवाई से ये चीजें रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस हुआ है, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हुआ है? नहीं हुआ है ना अजीत जी? नहीं सर, नहीं हुआ।
नहीं हुआ सर। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन तो यह है कि हम इग्नोर करें। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हाँ हम अपने प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। प्रिवेंशन कैसे करेंगे? 11,000 लीटर हवा जो है हर रोज हम हमारे शरीर के अंदर लेते हैं, और ये अलग अलग एनवायरनमेंट में लेते हैं। पूरे 24 घंटे एक जगह तो नहीं रहते ना, और 24 घंटे हम एयर प्योरीफायर को लेके घूम नहीं सकते। बिल्कुल। तो हम एट द बेस्ट क्या कर सकते हैं? अब एट द बेस्ट जो है, हम कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हम सबसे ज्यादा समय रहते हैं 24 घंटे में? पंकज जी, कौन सी ऐसी जगह है 24 घंटे में सबसे ज्यादा समय रहते हैं? घर पे। घर पे ही रहते हैं। घर पे कौन सी ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा समय रहते हैं? बेडरूम में सर। बेडरूम, बेडरूम है सबसे ज्यादा समय रहते हैं। 8 से 9 घंटे बेडरूम में रहते हैं जी सर। और सबसे जरूरी बात कि एट ए स्ट्रेच रहते हैं, मतलब लगातार 8 से 9 घंटे रहते हैं। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बेडरूम में हम रेस्टफुलनेस कंडीशन में होते हैं। यस और नो? यस सर। अगर आपने बेडरूम में प्यूरिफायर को लगाया तो बेडरूम के हवा को प्यूरिफाई करके हमारे शरीर के अंदर कम से कम इम्प्यूरिटीज जाएंगे 8 से 9 घंटे। बिल्कुल। उस समय हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मेहनत नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा रेस्ट कर सकता है। ये सुनो। यस सर। रेस्ट करेगा तो बाकी पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में जब जाएंगे तो उस समय हमारे इम्यूनिटी बेहतर काम कर सकता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए पंकज जी और अजीत जी, हम किसी गंदे नाली के पास से गुजरते हैं, राइट? तो हमारी रिएक्शन क्या होती है, हम क्या करते हैं? नाक बंद कर लेते हैं सर। बंद कर लेते हैं जी? बंद कर लेते हैं क्या? हाँ, उसको ऐसे नाक करके बंद करके या सांस थोड़ा सा लेने की प्रक्रिया को स्लो कर लेते हैं, सांस को रोकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, मतलब हम अपने सांसों की प्रक्रिया को स्लो करते हैं जी। हम सांसों के बीच में गैप बढ़ा देते हैं, सांसों को हल्की कर देते हैं। यस जी सर। हम ये ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जो उसकी बदबू है वो आए नहीं हमारे अंदर, इनहेल नहीं कर पाए। कम से कम आए, कम से कम आए। बिल्कुल। क्या आप बदबू को जीरो कर सकते हैं? नहीं सर, वो तो नहीं हो सकता। हम क्या करते हैं, नाक में रुमाल डाल के या सांसों को हल्की करके हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यस जी। अब मैं नो का ऑप्शन ही नहीं दे रहा हूं आपको, राइट? हमारा एयर प्योरीफायर भी ठीक उसी तरीके से काम करता है। जैसे कि गंदे नाली के पास से गुजरते हैं, हमें मालूम है कि हम पूरे तरीके से गंदगी को खत्म नहीं कर सकते, पूरे तरीके से गंदगी को शरीर के अंदर रोक नहीं सकते, हमें सांस लेनी है जी। तो हम कम से कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप अपने बेडरूम में एयर प्योरीफायर लगाते हैं तो उस 8 से 9 घंटे जब आप साफ हवा में रहेंगे, आप और आपके परिवार जब साफ हवा में रहेंगे तो इम्यूनिटी को रेस्ट मिलेगा। जब इम्यूनिटी को रेस्ट मिलेगा तो ये सिम्टम्स, जाहिर सी बात है, ये सिम्टम्स अपने आप रिड्यूस हो जाएंगे। मैं आपको समझा पाया अजीत जी? पंकज जी? जी सर। क्लियर है सबको? जी जी जी। अब आप एक बात बताइए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा हेल्थ एंड वेलनेस का, जिससे आप हर साल, पूरे साल, हर शहर और हर घर एयर प्योरीफायर बेच सकते हैं। Is it clear now? जी सर। क्या आपको लगता है कि हर शहर में एयर प्योरीफायर की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि हर घर में एयर प्योरीफायर की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि हर मौसम में एयर प्योरीफायर की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल सर। अब आपको मालूम चला कि एयर प्योरीफायर की एक बहुत बड़ी डिमांड है, बस किस चीज का इंतजार है कि उनको नहीं पता है कि एयर प्योरीफायर से क्या फायदा हो सकता है, एयर प्योरीफायर हमें जरूरत क्यों है। बिल्कुल। मैं समझा पाया आप लोगों को? जी सर। क्लियर है ना? जी 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 सर। हाँ राइट। बिल्कुल। अब हम चलते हैं एक बहुत अहम पॉइंट पे, ठीक है ना? एयर प्योरीफायर एक ऐसा प्रोडक्ट है
जिसमें हमें मालूम नहीं चलता लगाने के बाद काम कैसे कर रहा है, क्या काम कर रहा है। हम आज की डेट में कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, तो उसमें जो है इमीडिएट रिजल्ट महसूस होती है, इमीडिएट हमें रिजल्ट मिलता है। मतलब जैसे मोबाइल फोन लिया, सिम कार्ड लगाया, आप कॉल कर सकते हैं। टीवी खरीदा आपने, डिश कनेक्शन लगाया, पिक्चर देख सकते हैं। लेकिन एयर प्योरीफायर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें इमीडिएटली कोई रिस्पांस नहीं आता, इसीलिए बहुत सारे लोग जो है हिचकिचाते हैं, हेजिटेट करते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे घर में एयर प्योरीफायर काम कर रहा है। हमने 18,500 रुपए दे के प्योरीफायर खरीदा, अब ये कैसे पता चलेगा कि हाँ ये काम कर रहा है? होता है नहीं होता है अजीत जी, पंकज जी? बिल्कुल होता है ना ऐसे? बिल्कुल सर। तो आपके स्क्रीन के ऊपर चार ऐसे फायदे जो शार्प एयर प्योरीफायर से आपको मिल सकता है, मैं बताऊं आपको? राइट, सबसे पहला एस्थमा एलर्जी के बारे में हमने बात किया था हमने, हाँ जी, है ना। तो एस्थमा एलर्जी के लिए कई लोग दवाई लेते हैं, रेगुलर दवाई लेते हैं, या तो सीजनल लेते हैं या तो पूरे साल दवाई लेते हैं। एयर प्योरीफायर लगाने के बाद 7 से 10 दिन के अंदर उनके मेडिसिन और एस्थमा अटैक में 50% तक गिरावट ला सकते हैं आप। डज इट मेक सेंस? समझा पाया मैं आपको? बिल्कुल सर। अब ये चीज हम इतने दावे के साथ क्यों कह पा रहे हैं? आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये एक एलर्जी यूके, बहुत बड़ी संस्था है लंदन में, जो एस्थमा और एलर्जी के ऊपर काफी रिसर्च करते हैं, और उन प्रोडक्ट्स को सील ऑफ अप्रूवल सर्टिफिकेट से नवाजा जाता है, जिनका नेचुरली विदाउट साइड इफेक्ट्स, विदाउट मेडिकेशन एस्थमा एलर्जी को रिड्यूस कर सकते हैं। और इन्होंने हमारे प्योरीफायर को टेस्ट करके ये सील ऑफ अप्रूवल सर्टिफिकेट दिया, जो पीले कलर का आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, ये आपको हर डब्बे में दिखाई देगा। इसका मतलब एस्थमा एलर्जी को रिड्यूस करने के लिए शार्प से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको समझा पाया? पंकज जी, अच्छा, तो अब आप थोड़ा सा सोचिए कि कितनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है हमारे सामने, राइट? कितनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हम अब तक सोच रहे थे कि एयर प्योरीफायर बेचना सबसे डिफिकल्ट है, लेकिन आज पिछले 15-20 मिनट में आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है अजीत जी? ये ले सकते हैं लोग, ले सकते अगर सही से समझाया जाए तो। बिल्कुल। अब पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4 को कंबाइन करके मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ कि किस तरीके का बेनिफिट शार्प एयर प्योरीफायर से आपको मिल सकता है। पंकज जी, आपके घर में एसी लगा हुआ है? कितने साल से आप एसी का इस्तेमाल करते हैं? 3-4 साल। आप इस सवाल का इस तरीके से जवाब दीजिएगा जिससे आप वेस्टेज का नहीं पता है, आपको वेस्टेज का नहीं मालूम है। आप एक आम आदमी को अगर मैं ये सवाल पूछूं जो 3-4 साल से एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जब एसी कमरे में सो के उठते हैं, आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को सर में भारीपन, नाक बंद, गले में खराश, या सुबह उठ के छींकने की या खांसने की शिकायत होती है पंकज जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरी बेटी को होती थी, सुबह उठती थी तो उसका लगातार 5-6 छींक रेगुलर रहता था। अब आपने एयर प्योरीफायर लगा लिया? बिल्कुल सर। अब क्या हुआ? अब तो पिछले मतलब लगभग रखिए 8-9 महीने हुए मेरे को लगाए हुए, अब ये बिल्कुल ही जीरो है। क्या बात है सर, क्या बात है। अब आप ये बताइए कि अगर ये सवाल हम लोग पूछेंगे 10 लोगों से, तो कितने लोग कहेंगे कि हाँ ये सिम्टम्स होते हैं किसी ना किसी को? बिल्कुल सर, मैक्सिमम लोग के यहाँ, छोटे बच्चे जहाँ वहाँ तो रहता ही है, स्पेशली बड़े भी जब सो के उठते हैं तो सर में भारीपन वगैरह ये लगता है, अगर एसी में अगर आप सो के उठ रहे हैं खासकर तो वो रहता है। राइट, तो ये जो पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4, ये उन लोगों के लिए है जो कि ये प्रिलिमिनरी सिम्टम्स है,
ये शुरुआती सिम्टम है, अगर हम इसे इग्नोर करेंगे तो ये सिम्टम्स कॉम्प्लिकेट होते जाएंगे, सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए सर? बिल्कुल लगाना चाहिए सर, मैं तो बोलूंगा। राइट। अब तीसरा पॉइंट, बच्चों के बारे में ऑलरेडी मैं काफी डिटेल में बता चुका हूँ, मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा। अभी बच्चे जब पैदा होते हैं हमारे घर में तो हम हर एक चीज का ध्यान रखते हैं, साबुन, तेल, शैम्पू, पाउडर। क्या हम अपने साबुन बच्चों में इस्तेमाल करते हैं? क्या हम अपने जो क्या कहते हैं शैम्पू इस्तेमाल करते हैं बच्चों में? क्यों नहीं इस्तेमाल करते? बिकॉज बच्चों के स्किन नाजुक होते हैं। लेकिन कभी हमने ये सोचा कि 11,000 लीटर जो इतनी ज्यादा वॉल्यूम में है, वो 11,000 लीटर हवा जो शरीर के अंदर जा रहा है, हम साबुन के लिए इतनी ज्यादा चिंतित है, तेल के लिए इतनी ज्यादा चिंतित है, लेकिन जो 11,000 लीटर हवा बच्चों के शरीर के अंदर जाके लंग्स को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, पूरे श्वास नाली को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, उस चीज को लेके हम इतने इग्नोरेंट क्यों है? बिकॉज हमें मालूम ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि इसकी जरूरत हमें है। अब आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखिए जरा सा, एम आई राइट? ठीक है सर। अजीत जी, अजीत सर आप कुछ बोल नहीं रहे? जी सर, जी सर, मैं म्यूट कर लेता हूँ ताकि डिस्टरबेंस नहीं हो। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बट कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा पाया, इज इट क्लियर? जी सर। आपको लगता है कि एयर प्योरीफायर हर शहर में बेचे जा सकते हैं? 100% सर। हर मौसम में बेचे जा सकते हैं? बिल्कुल। राइट, तो कितनी बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। अब प्रेजेंटेशन का आखिरी हिस्सा, अब मैं आपको ये बताऊंगा बाकी ब्रांड से बेटर क्यों है। राइट, 5-7 मिनट लगेगा, राइट? इतना तो टाइम है ना आपके पास? बिल्कुल सर, बिल्कुल है सर। थैंक यू। तो अब सवाल ये आता है कि मार्केट में तो बहुत सारे एयर प्योरीफायर हैं, 10,000, 8,000, 10,000 रुपए से लेके 1,00,000 रुपए तक एयर प्योरीफायर है। मैं आपको 3 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिससे आप चाहे सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा कोई भी ब्रांड हो, आप किसी भी ब्रांड के कंपैरिजन करेंगे, ये 3 बेनिफिट आपको मिलेंगे जो कि फंक्शनल बेनिफिट है। जो मेन चीज है, मेन बेनिफिट जो है, मतलब जिस वजह से हम एयर प्योरीफायर परचेज करते हैं हम अपने घर में, उस बेनिफिट की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन वहां तक जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको हमारे प्रोडक्ट के ताकत के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी जो है कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना क्रेडिबल है और कितनी पावरफुल है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आपको पता है लगभग 1 साल हो चुका है, 1 साल से थोड़ा सा ऊपर हो चुका है, नोवेल कोरोना वायरस का आइडेंटिफिकेशन हुआ है। एक ऐसा वायरस जो पूरी दुनिया को हिला चुका है, यस और नो? बिल्कुल सर। जिसका कोई दवाई अभी तक नहीं है, प्रॉपर नहीं है दवाई, एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन चल रहा है, यस और नो? और वैक्सीन भी कब तक पूरे दुनिया में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कब तक सबको वैक्सीन मिलेगा, ये किसी को नहीं मालूम है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कोरोना वायरस, जो कि COVID-19 का जिम्मेदार है, SARS-CoV-2, उस वायरस को 30 सेकेंड के अंदर 91.3% तक डिस्ट्रॉय कर सकता है ना मजेदार बात? बिल्कुल सर। कहते हैं पंकज जी? बिल्कुल सर, ये तो सबसे ज्यादा मजेदार बात है ये, ठीक है ना सर? पूरी दुनिया सहमी हुई है इन चीजों से। हाँ, तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई कमरा है जहाँ पे इन्फेक्टेड लोग और हेल्दी लोग दोनों हैं, उस कमरे में आप क्रॉस इन्फेक्शन को काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। मैं समझा पाया आपको? जी सर। और ये टेस्ट जो किया गया है, ये जो रिपोर्ट आया है, ये नागासाकी यूनिवर्सिटी के ये 3 साइंटिस्ट प्रोफेसर हैं जिन्होंने इस टेस्ट को पूरा किया।
तो इससे हमारे प्लाज्मा क्लस्टर के टेक्नोलॉजी की क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाती है। आपको मैं एक और बात बताता हूँ, बहुत इसमें आपको मजा आ जाएगा। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये जो है प्लाज्मा क्लस्टर का कोई नया अवतार आया, नया वर्जन आया? नो, प्लाज्मा क्लस्टर एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि नेचुरल एयर प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, जिसके नए नए बेनिफिट्स का हमें पता चल रहा है, ठीक है ना जी। तो अगर आपके पास, जैसे पंकज जी ने कहा कि 8 महीने पहले से एयर प्योरिफायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये प्लाज्मा क्लस्टर के नए बेनिफिट का पता चला है। इसका मतलब अगर आपने 8 महीने पहले खरीदा है, या 1 साल पहले खरीदा है, या 2 साल पहले लिया है, या 5 साल पहले एयर प्योरिफायर को लिया है, तो वो एयर प्योरिफायर भी आपको कोरोना वायरस से उतने ही बचा पाएगा जो आप अगर आज खरीदते हैं। मतलब प्लाज्मा क्लस्टर को किसी भी अपडेशन की जरूरत नहीं है। प्लाज्मा क्लस्टर एक नेचुरल एयर प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है। ये बहुत बड़ी बात है, ये उससे भी बड़ी बात है। लोग नए नए टेक्नोलॉजी का इजाद करते हैं, नए नए दवाई का इजाद करते हैं ताकि बीमारी को कम कर सके, लेकिन प्लाज्मा क्लस्टर एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो 5 साल पहले जो था, आज पता चला कि प्लाज्मा क्लस्टर जो है कोरोना वायरस SARS-CoV-2 को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है ना, बहुत बढ़िया चीज। अब 3 फायदे के बारे में मैं बताऊंगा आपको, प्लीज आप नोट करके रखिए। किसी भी ब्रांड के किसी भी प्रोडक्ट से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला, जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं उसके वजह से ज्यादा इम्प्योरिटीज को हम निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, मैं एक सर्टिफिकेट के सेट आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पूरे डॉक्यूमेंट जो है 155 पेज का डॉक्यूमेंट है, जिसका जो फर्स्ट पेज है जिसमें 33 लैब्स के लिस्ट दिए गए हैं जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट को टेस्ट करके सर्टिफिकेट दिया है। 33 लैब्स सर्टिफाइड हमारा प्रोडक्ट, जो हम क्लेम करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इम्प्योरिटीज को निकाल सकते हैं। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, प्रूफ के साथ है, है ना दमदार बात राइट। तो पहला बेनिफिट ये है कि ज्यादा से ज्यादा इम्प्योरिटीज को हम निकाल सकते हैं ताकि कम से कम इम्प्योरिटीज हमारे शरीर के अंदर आए, और उसके लिए हमारे पास 33 लैब्स के सर्टिफिकेट है जो इन चीजों को प्रूफ करता है। यह है बेनिफिट नंबर 1। दूसरा, प्लाज्मा क्लस्टर के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको कि प्लाज्मा क्लस्टर क्या पावरफुल टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो आपको मल्टीपल बेनिफिट्स देता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई प्लाज्मा क्लस्टर क्या है, आप उनको सिंपल सी यही बात बताइए, प्लाज्मा क्लस्टर एक नेचुरल एयर प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है जो सेफ है, सर्टिफाइड है और इफेक्टिव है, राइट? आपने देखा मैंने सेफ और सर्टिफाइड शब्द का इस्तेमाल किया। इसका यह मतलब है सेफ किसी भी टेक्नोलॉजी का सेफ होना जरूरी है और इफेक्टिव भी होना जरूरी है। अब मान लीजिए आप कोई ऐसा वैक्सीन लेंगे जो कि सेफ तो है लेकिन इफेक्टिव नहीं है, आप कोई ऐसा वैक्सीन लेंगे जो इफेक्टिव है लेकिन सेफ नहीं है, आप वही वैक्सीन लेंगे जो कि सेफ भी है इफेक्टिव भी। ठीक उसी तरीके से हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो नेचुरल है, सेफ है, इफेक्टिव है और सर्टिफाइड है। तीसरा बेनिफिट, आपके स्क्रीन के ऊपर ये कुछ फिल्टर्स हैं। ये हर एक ब्रांड जो मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, हर एक ब्रांड आपको ये 3 फिल्टर देते हैं। ये 3 फिल्टर आपको हर एक ब्रांड में मिलेगा। इसे कहा जाता है प्री फिल्टर, ये कार्बन फिल्टर और ये हेपा फिल्टर, राइट? ये जो 3 फिल्टर है ये काम कैसे करता है, हवा को एक पूरे हवा को खींच के ले आओ फिल्टर के अंदर, इम्प्यूरिटीज को फिल्टर में अब्सॉर्ब करिए और दूसरी तरफ से साफ हवा छोड़ दीजिए। यह है फिल्टर के काम करने का तरीका, am I right? लेकिन फिल्टर का होना सिर्फ जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि हवा को आप कितना हवा को आप खींच के लेके आ सकते हो। क्या पूरे कमरे की हवा को खींच के लेके आ सकता है? अब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा,
सिर्फ एक मिनट का वीडियो है, आप इस वीडियो को देखिए, फिर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट कितना इफेक्टिव है और कैसे है। दोस्तों एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक एयर प्यूरिफायर में एयर फ्लो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि ये हमारा सिस्टम ऑन है सर, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए थोड़ा। वॉल्यूम तो मैक्सिमम है सर, वॉल्यूम यहाँ पे मैक्सिमम दिखा रहा है 100%। वैसे कम आ रही है साउंड ना थोड़े से। अच्छा ठीक है, ये वीडियो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, है ना जी जी राइट, आप देख लीजिए। 360 डिग्री सर्कुलेशन को क्लेम देते हैं जिससे हवा ऊपर की तरफ जाती है, जिससे क्या होता है कि पूरे रूम में सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, जो कि आप इससे देख सकते हैं कि हवा तो निकल रहा है इसके अंदर से, लेकिन ये फैन की कोई मूवमेंट नहीं है, जिससे हमें ये पता लगता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलेशन नहीं है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही इसका सक्शन और एयर फ्लो हो सकता है। अब हम इस बटन को ऑन करते हैं जिससे कि शार्प के यूनिक एयर फ्लो सिस्टम ऑन हो गया है, जिससे कि आप ये देख सकते हैं कि एयर का जो एंगल है वो एंगल हमारा चेंज हो गया है और इमीडिएटली इस पंखे का मूवमेंट शुरू हो गया है, जिससे ये प्रूव होता है कि हमारे जो 20 डिग्री एयर फ्लो जो कहा जाता है वो एक इफेक्टिव सर्कुलेशन पूरे रूम के अंदर देता है, दूसरे ब्रांड से बेटर है और हर एक कोने में कोने कोने से हम इंप्यूरिटीज को खींच के ला सकते हैं और हमारे प्लाज्मा क्लस्टर भी जो एक एक्टिव प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है कोने कोने में प्लाज्मा क्लस्टर को भी पहुंचा सकते हैं। ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बट इस वीडियो के जरिए जो हम कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी मार्केट में अवेलेबल प्योरीफायर है वो हवा को स्ट्रेट ऊपर की तरफ फेंकते हैं जो सीलिंग से टकरा के नीचे आ जाते हैं, राइट, तो उनकी एफिशिएंसी सीमित रहती है प्योरीफायर के आसपास। लेकिन शार्प एक ऐसी यूनिक टेक्नोलॉजी लेके आता है 20 डिग्री एयर फ्लो जो प्लाज्मा क्लस्टर को भी पूरे कमरे में डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि प्लाज्मा क्लस्टर जब तक पूरे कमरे में डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर नहीं होगा तब तक कोरोना वायरस या बाकी चीजों से हम बचेंगे कैसे। दूसरा, हमारा जो एयर फ्लो टेक्नोलॉजी है पूरे कमरे की हवा को खींच के लेके आ सकता है, एक बेहतर एफिशिएंट सफाई देता है। तो ये था तीन बेनिफिट, एक बार समराइज करता हूँ। हमारा प्योरीफायर ज्यादा से ज्यादा इंप्यूरिटीज को निकालता है जो कि सर्टिफाइड है। दूसरा, एक हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि नेचुरल है, सेफ है, इफेक्टिव है और सर्टिफाइड है, वन टेक्नोलॉजी जो मल्टीपल काम करता है। तीसरा, फिल्टर्स तो हर कोई देता है लेकिन इम्पोर्टेंट होता है कि फिल्टर के अंदर हवा को खींच के जब तक नहीं लाएंगे तब तक रूम की सफाई होगी कैसे, जो हम इंश्योर करते हैं जो 20 डिग्री एयरफ्लो के कारण, मतलब ज्यादा से ज्यादा इम्प्योरिटीज को निकालते हैं और पूरे कमरे की हवा को इवनली साफ कर सकते हैं। अब आप बताइए, आप कौन सा एयर प्योरीफायर लेना पसंद करेंगे? वेरी गुड, तो इसके साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो हम ले सकते हैं। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू अजीत जी, आपने थोड़ा मतलब एज ए पैनलिस्ट हमने डिस्कशन किया, जिससे मुझे लगता है कि लोगों को एक बेहतर जानकारी मिली कि हम किस तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे, किस तरीके से अप्रोच करेंगे। बिल्कुल सर, तो किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर मैं अलाउ पार्टिसिपेंट कर दिया मैंने अनम्यूट, तो आप करके शुभेंदु सर से पूछ सकते हैं। संजय जी पूछ रहे हैं कि मुकेश संजय जी बता रहे हैं कि अदर देन सेल इट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर ओन फैमिली हेल्थ। वेरी गुड, बिल्कुल सही मुकेश संजय जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है शुभेंदु सर, आपके पुरानी ट्रेनिंग्स में मैंने सुना था कि इसके जो फिल्टर्स हैं उसको हम, जैसे बाहर का फिल्टर है उसको हम क्लीन कर सकते हैं, जो सेकेंड फिल्टर है और थर्ड फिल्टर है उसको थोड़ा सा झाड़ करके हम धूप में सूखने के लिए छोड़ सकते हैं, घंटे दो घंटे छोड़ेंगे तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी।
मेरा आप क्वेश्चन ये है सर कि आजकल तो धूप बहुत कम होते हैं और बहुत सारे फ्लैट्स में धूप पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो इसके लिए भी क्या कर सकते हैं कोई इसका ऐसा कोई ये जो हेपा फिल्टर है इसको धूप दिखाना है। हेपा फिल्टर को मेनली हेपा फिल्टर को धूप दिखाना होता है जी। अगर आप धूप नहीं दिखा पाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 10-15 दिन में एक बार ये प्री फिल्टर को धो के साफ कर दीजिए। बाकी जो दो फिल्टर है इसको धोना नहीं है, इसको हल्का सा झाड़ के आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक चीज और कहना चाहूंगा सर कि लगभग एक साल हो गया मुझे भी यूज करते हुए इस फिल्टर एयर प्यूरिफायर को, और रफली 8-10 घंटा यूज करता हूं, और गर्मी में थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है, लेकिन ठंड के टाइम जिस टाइम अभी जैसे पोल्यूशन वगैरह ज्यादा है तो यूज करते हैं, तो इसकी सर फिल्टर की लाइफ अभी बची हुई अभी तो कोई मार्क नहीं आया है। फिल्टर 2 साल चलते हैं सर। 2 साल चलते हैं। फिल्टर को आपको 2 कंडीशन में बदलना है। पहला कंडीशन ये है कि अगर एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाए, मतलब जिस प्रेशर से हवा बाहर निकलता है अगर वो रिड्यूस हो जाए तो आपको फिल्टर बदलना है। दूसरा, अगर फिल्टर के अंदर से स्मेल आने लगे, ये 2 कंडीशन में आपको फिल्टर बदलना है। ओके सर। अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन? अजीत जी आपका कुछ क्वेश्चन था झारखंड से, अजीत सर जो आप मुझसे पूछ रहे थे, तो आज तो शुभेंदु सर है तो मेरे से बेहतर सर शुभेंदु जी जवाब दे सकते हैं। सर गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग अजीत जी, पूछिए सर। अजीत जी आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरा क्वेश्चन था ये, जब मैं तो लोगों को बताने जाता हूँ तो वहां से ये क्वेश्चन आता है कि जैसे शार्प का एयर प्यूरिफायर है ना सर, तो अपना जो 0.03 माइक्रोन तक का ये पार्टिकल्स को ये करने वाला, एब्जॉर्ब करने वाला वो है सर, वो ग्रांटेड है। एक्चुअली दिक्कत वहां आ रही है कि जो कॉमन प्लेटफॉर्म है मार्केटिंग वाले अमेजन और फ्लिपकार्ट वगैरह पर, उसपे कोई कोई बोलते हैं कि हमको जो है वो जो है ना ये शार्प का ही, आपने कहा शार्प, मैंने भी बोल रहा हूँ शार्प, शार्प में ही प्लाज्मा क्लस्टर दिख रहा है, हेपा फिल्टर दिख रहा है, लेकिन उसमें और आपके वाले एयर प्यूरिफायर में क्या डिफरेंस है आप बताइए हमको। वो भी तो शार्प का ही है, आप जो शार्प का बोल रहे हैं तो वो हम क्यों ना ले जो आपका ये मॉडल ले। इसमें क्या वो 20 डिग्री फ्लो वाला ही कुछ डिफरेंस है ना, और कुछ भी डिफरेंस है? नहीं नहीं, और कई डिफरेंस है। देखिए जो हमारे प्रोडक्ट जो J30 है उससे सस्ते में अगर कोई प्रोडक्ट, अगर कोई शार्प का प्रोडक्ट बिक रहा है तो वो पुराना मॉडल है, ऑब्सोलीट मॉडल है, तो उससे हमारा प्रोडक्ट बेटर कैसे है मैं आपको भेज दूंगा, मैं अजीत जी को भी भेज दूंगा, आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, आपको आपको मैं भेज दूंगा। ठीक है कि हमारा प्रोडक्ट कुछ 5-6 पॉइंट्स है जी। तो अजीत जी को भी भेज दूंगा, आप अगर मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं आपको भी भेज दूंगा जी। जरूर सर, ये बहुत जरूरी है सर, क्योंकि इसके चलते 1-2 क्लोजिंग मेरा नहीं हो पाया। हम उसको ये चीज कितनी भी बार ये बता रहे तो स्पेसिफिक हो रहा है कि नहीं आप स्पेसिफिकेशन बताइए, मतलब स्पेसिफिकेशन होता है जैसे मोबाइल भी ले तो उसका पूरा फीचर चार्ट आता है कि ये ऐसा मैं आपको वही चीज़, वो कंपेटिटिव स्टेटमेंट की बात कर रहा था सर, मैं वही चीज भेज दूंगा सर। जी जी। और एक बात है सर, अपना जो एयर प्यूरिफायर है वो तो जबरदस्त है ही, उसमें एक ये है सर, जैसे एक 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 शख्स के साथ ऐसा हुआ, उनका कहना था, अब मेरे पास में एयर फ्लो मीटर, ये एयर मीटर जो होता है सर, पॉल्यूशन मीटर, वो तो है नहीं, तो उनका कहना था वही जो आप बताए ना कि जो 3 तो बेसिक 3-4 अस्थमा वाला हुआ बच्चा का, इम्यूनिटी के से रिलेटेड उसका जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थोड़ा घट जाता है, सुबह जो स्नीजिंग वगैरह होता है वो कम हो जाता है, ये सब नहीं, उनका कहना है क्या कि हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में कितना एयर पॉल्यूशन है, हम घर में तुम्हारा एयर प्यूरिफायर लगाएंगे तो उससे हमको कितना डिफरेंस हुआ वो तो तुम्हारा एयर प्यूरिफायर में हमको दिखेगा नहीं। हम बोले नहीं सर, वो उसका डिजिटली तो कुछ वैसा उसमें लिखा हुआ नहीं है अभी फिलहाल कि आपको डिजिटली बता पाए कि PM2.5 कहाँ आया। हाँ मैं आपके पॉइंट समझ गया हूँ। सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, इसमें आपके ये वाला जो मॉडल है आपको ये मिल रहा होगा मार्केट में 10,000 रुपए के आसपास, ठीक है, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है ये आपको ये 6 बेनिफिट देते हैं, ये जो 6 बेनिफिट है ये आपको मिलता है।
जो इस मॉडल में नहीं है, ये जवान मॉडल है, लेटेस्ट मॉडल है, ये ऑब्सोलीट मॉडल है, ये मैं भेज दूंगा। और जो दूसरा सवाल जो आपका था कि मैंने आपको सेशन से पहले, आपने पूरे ट्रेनिंग सेशन को सुना? जी सर, बिल्कुल सर। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि एयर प्यूरिफायर की रिक्वायरमेंट या नीड को क्रिएट करने के दो तरीके हैं, पहला एयर पोल्यूशन वाला तरीका, दूसरा हेल्थ वाला तरीका। अब तक जो है आप शायद आप पोल्यूशन वाला तरीका अपना रहे थे, मेरे ख्याल से आज के बाद अगर आप हेल्थ वाला तरीका अपनाएंगे तो आपको कामयाबी बेहतर मिलेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ जी, ये तो मैं पॉइंट ऑफ व्यू समझा कि जो जैसे वो इंजिस्ट कर रहे थे कि नहीं नहीं वो पीएन 2.550 के नीचे आया और ओरिजिनली मेरे यहाँ 85 है कि 98 है 100 आई डोंट नो एंड व्हाट एक्सटेंट इट हैज गॉन डाउन, इट इज आल्सो नॉट अवेलेबल ऑन योर प्यूरिफायर डिजिटली, तो हम क्यों लें बोलकर। देखिए आप अगर प्यूरिफायर के कलर चेंज और इन सब से सेटिस्फेक्शन आपको लेना है, जी मैंने उनको बताया था, आप मेरे ख्याल से आप बेहतर तरीके से आप बता पाएंगे। जी जी ठीक है। जी जी जी, मैंने उनको ये भी बताया था कि ये सब डिजिटली कुछ गैजेट वगैरह है भी कोई कोई दे देता है, उससे आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप जो इन रिजल्ट है उसको फॉलो कीजिए। बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया जी। जी सर, आप और दूसरे तरीके से उस पॉइंट ऑफ व्यू पे ज्यादा जोर दूंगा सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू। ओके थैंक यू सर, थैंक यू सर। और वो जरा शेयर कर दीजिएगा सर, वो जो आपने बताया है। राठौर जी, आपने हैंड रेज किया, कोई कंसर्न है आपका तो सर अनम्यूट होके पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुवेंदु सर, एक छोटी सी क्वेरी थी। जी पूछिए। एक्चुअली मैंने अभी किसी को एयर प्यूरिफायर दिया था कुछ समय पहले, तो उनको सर इनिशियली स्टेज में तो हमने सभी कुछ बता दिया कि भाई यूज कैसे करना है, इसके फंक्शंस कैसे हैं, मोड हेज या और भी जो भी कुछ होता है, सारी चीजों की जानकारी दी। और लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने जब उसको यूज किया तो जैसे फिल्टर की सफाई करते हैं ना, तो सफाई करने के दौरान फिल्टर को उल्टा लगा दिया, उसका जो आपका हेपा फिल्टर है उसको उल्टा लगा दिया, और उल्टा लगाने के बाद उसको यूज करते रहे रेगुलर, मेरे ख्याल से आई थिंक एक महीना डेढ़ महीना तक उसी को उल्टे में ही यूज करते रहे, क्योंकि उसमें हालांकि संकेत दिया हुआ है कि एरो बना हुआ है और प्रॉपर तरीका दिया, लेकिन अब ये था कि भाई नहीं ध्यान दिया, उन्होंने लगा दिया ऐसे ही। तो ऐसे में क्या पॉसिबिलिटी है कि मतलब फिल्टर के ऊपर क्या इफेक्ट जा सकता है? एक डेढ़ महीना यूज किया है जी सर, आप फिर सीधा करके देखिए, सीधा करके दोबारा यूज, सीधा करके मैंने लगा दिया जब मैंने, हाँ सीधा करके मैंने दोबारा हालांकि लगा दिया और वो काम कर रहा है, वो मतलब हवा एयर वगैरह प्रॉपर आ रही है इस समय फिलहाल, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मुझे लगा कि मतलब इसकी लाइफ कम हो सकती है या फिर मतलब आगे के लिए प्रॉब्लम कुछ और भी हो सकती है, नुकसान नेगेटिविटी इसके साथ, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, एयर प्रेशर कम हो सकता है, थोड़ा जल्दी कम हो जाएगा एयर प्रेशर। जी 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 हाँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, डायरेक्शन में यूज करिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हालांकि हाँ मैंने उनको बता भी दिया है, अब आगे से वो ध्यान रखेंगे इस बात का, लेकिन फिलहाल अब इस समय ठीक काम कर रहा है। ठीक है, ठीक ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो होप अब किसी का और कोई कंसर्न नहीं रहा होगा। तो, और मिथिलेश जी का। जी मिथिलेश सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिथिलेश जी। सर मैं एक बात पूछना चाहूंगा, जैसे इसकी लाइफ वारंटी तो 2 साल है ना टोटल? हाँ अभी, लेकिन 2+1 वारंटी मिलेगा। 3 साल एक्सटेंडेड है। एक्सटेंडेड 1 ईयर। मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे जहाँ पर अधिक पॉल्यूटेड एरिया है, जैसे स्टील प्लांट्स वगैरह के आसपास एरिया जो आप जमशेदपुर में जान रहे हैं, मान लीजिए जैसे स्टेशन एरिया है या फिर जो सिलाई है वहाँ पर यूज करेंगे तो ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया है, क्योंकि वहाँ पे रात भर में छत के ऊपर पूरी लेयर जम जाती है पूरी डस्ट की, तो उस एरिया में हम यूज करें। और एक हम एक यूज करें माने अराउंड मतलब नदी के नजदीक जो है, कदमा हो गया, सुनारी हो गया, उधर यूज करें, तो दोनों की लाइफ पे कितना अंतर पड़ेगा सर? ये क्वेश्चन थोड़ा हो सकता है हाइपोथेटिकल हो, लेकिन
मतलब एक क्वेश्चन उठ सकता है सर, अंदाजन आपको 50% लाइट मिलेगा जो स्टेशन और जुसलाई में यूज करेंगे सर। अगर ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया देखिए, जितना ज्यादा इंप्यूरिटीज एब्जॉर्ब होगा इसका मतलब उतने कम से कम इंप्यूरिटी शरीर के अंदर जा रहे हैं। तो वही दो कंडीशन आप ध्यान रखिएगा, एक एयर प्रेशर और दूसरा स्मेल। तो अगर ये दोनों होते हैं तो बदल देना चाहिए। उस कंडीशन में फिर उसका फिल्टर चेंज करना होगा सर। जी जी HEPA फिल्टर सिर्फ चेंज होगा ना सर उस कंडीशन में। HEPA मतलब जिसमें भी अगर कार्बन में स्मेल आ रहा है तो कार्बन बदल दीजिए। मैंने जिस तरह से वाटर प्यूरिफायर मतलब काम करता है उस हिसाब से ये भी ट्रीट करेगा सर। हाँ, वाटर प्यूरिफायर के ब्लॉक हो जाते हैं तो हम बदलते हैं। ओके सर, थैंक यू। तो होप सभी का कंसर्न अब क्लियर हो गया। अगर किसी का है तो इमीडिएट से पूछ लीजिए। और दूसरा, शुभेंदु सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि वाटर प्यूरिफायर की पिछले बारी जो सर ने ट्रेनिंग दिया था और उसमें कुछ कंसर्न हम लोगों ने रेज किया था प्री फिल्टर का, और वो सर ने प्रोवाइड कर दिया था। उसके लिए सर बहुत बहुत हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उसको इनिशिएट किया और आज तकरीबन हमारे थ्रू बहुत सारे वेस्टिजियन और बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिलना शुरू हुआ जो कि कंसर्न रेज हुआ। आप लोगों के फीडबैक की वजह से हुआ है। जी सर, जी सर, तो वही मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि एक चीज कंसीडर किया गया तो ये बहुत ही बड़ी चीज है, और इसके लिए बहुत धन्यवाद कि आपने टॉप मैनेजमेंट तक भी उसकी जिक्र किया और बात करके उसको कंसीडर करवाया कि आने वाले टाइम में कितने सारे लोगों को उसका बेनिफिट हो सकता है। और दूसरा, आज के संडे के दिन सर टाइम निकालने के लिए और हमारे लोगों को, हम सबको एजुकेट करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम सर जल्द ही आपसे मिलेंगे वाटर प्यूरिफायर की एक और ट्रेनिंग का रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, जैसे ही टाइम मिलता है सर तो उसकी भी हम फिर से करेंगे और इसी महीने में करेंगे सर। सर, शुभेंदु सर से एक रिक्वेस्ट था सर। जी, जो मैंने पहले ही कहा है, ये तो सर ये टेक्नोलॉजी की बात है, आप शार्क के सर्टिफाइड ट्रेनर इंजीनियर हैं सर, आप ज्यादा बेहतर समझेंगे कि अगर इसको वो डिजिटल वाला जो डिस्प्ले वाला अगर इनकॉर्पोरेट करते हैं इस मॉडल में तो उसके लिए मतलब उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर प्राइसिंग का कंसर्न उसके साथ में है क्या, वो तो टेक्निकली आप समझ पाएंगे, बस एक ये था सर सजेशन था कि अगर उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं तो क्या उसको कुछ और ज्यादा कुछ आ सकता है क्या मार्केटिंग के व्यू से। देखिए, हमने अपने मॉडल में परफॉर्मेंस पैक करके दिया है, मतलब इट इज पावरफुल परफॉर्मेंस। ये जो चीजें होती है ना, ये कॉस्मेटिक चीजें होती है। जी जी जी, हाँ, हमने आपके लिए परफॉर्मेंस ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, बट आगे ध्यान रखेंगे उसका भी। जी जी, सुबह सबके नोटबुक में आ गया तो होपफुली वो पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाती है उस चीज की। मैंने तो जस्ट एक मतलब लिमिटेड तौर पे जस्ट एक लॉन्च हुआ है ना, नेक्स्ट मॉडल पे देखेंगे। जी जी, जरूर सर, जरूर सर। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू शुभेंदु सर, और फिर जल्दी ही सर मिलते हैं एक नए ट्रेनिंग, नए एजुकेशन आपसे फिर लेने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू पंकज जी, थैंक यू अजीत जी, और बाकी सब लोग जो इतनी पेशेंटली मुझे सुन रहे थे, थैंक यू सर। मैं एग्जिट करूं? जी जी, थैंक यू, विश यू वेल, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।